निकालने के फैसले पर बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मार्शल और सुरक्षा कर्मी भी वेल में उतर गए। नारेबाजी के दौरान मार्शल और बीजेपी विधायकों के बीच में धक्का मुक्की हुई। बीजेपी के महिला विधायकों ने राजेंद्र सिंह राठौर के चारों ओर सुरक्षा चक्र बना लिया। विधायक चंद्रभान आकिया ने मार्शल पर थप्पड़ मारने के आरोप लगाए और बीजेपी के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो बीजेपी विधायकों ने वेल में फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर सीपी जोशी ने बीजेपी विधायकों से अपनी सीट पर लौटने की अपील की और कहा कि राजेंद्र राठौड़ दो मिनट के लिए सदन से बाहर चले जाएं। इस दौरान बीजेपी बहाली का प्रस्ताव लाए। संसदीय मंत्री सुन न सके। तो बीजेपी विधायक फिलहाल किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं थे। हंगामे के बीच ही चर्चा के लिए स्पीकर ने कई लोगों के नाम भी पुकारे, लेकिन बीजेपी के किसी भी विधायक ने चर्चा में भाग नहीं लिया। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि स्पीकर का फैसला सही हो या गलत, लेकिन एक बार उसकी पालना जरूरी है और ये मेरी अंतिम अपील है कि राजेंद्र राठौड़ दो मिनट के लिए बाहर जाएं और बीजेपी बहाली प्रस्ताव लेकर आए। इसके बाद सदन से बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया। इधर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की ओर से बयान पर खेद जाहिर किया, जिसके बाद अब कुछ रह नहीं जाता है। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ है। शशि, क्या कुछ अंदर हुआ और अभी क्या है बीजेपी का रुख? चूंकि जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, ये साफ तौर पर इतने जल्दी शांत होने वाला मामला दिख नहीं रहा। शशि जी, संजय आपका सवाल हो रहा है, क्या कुछ इस वक्त बीजेपी का रुख है पूरे मामले पर? जिस तरीके से सदन के भीतर हंगामा हुआ, इतना जल्दी ये मामला शांत होता दिख नहीं रहा। देखिए संजय, अब राजेंद्र राठौड़ को जो निकाले जाने का प्रस्ताव था वो सदन ने वापस ले लिया है। हाँ। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने स्पीकर सीपी जोशी के कहने पर प्रस्ताव रखा और राजेंद्र राठौड़ को जो निकालने का प्रस्ताव रखा गया था उसे वापस ले लिया गया। अब माहौल पूरी तरीके से शांत है, सदन सुचारू तरीके से चल रहा है। जो विधेयक रखे गए थे आज सुबह, जो 5 विधेयक रखे गए थे सरकार की तरफ से सदन पर, उन विधेयकों पर चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जिस तरह अपनी नाराजगी जताई है, विधेयकों पर चर्चा का मौका नहीं मिलने की शिकायत की थी, उसके बाद बीजेपी के पूरे सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। हालांकि यह सदन में वॉकआउट कहा गया था नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, लेकिन लग रहा ऐसा है जैसे बीजेपी के नेता बायकॉट करके चले गए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा